नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। झांसी एम्बुलेंस यूनियन के द्वारा जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग की 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के द्वारा कोरोना संक्रमित समय में जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना वायरस मरीजों को लाने और ले जाने का कार्य किया तथा अपने दायित्व को निभाया, एम्बुलेंस यूनियन के द्वारा मांग की गई है कि 108 102 नंबर की एम्बुलेंस को एएसएल कर्मचारियों को एनएचएम में सम्मिलित किया जाए। एम्बुलेंस यूनियन के लोगों ने यह मांग की है। कोरोना संक्रमित समय में जो एम्बुलेंस के ड्राइवर जो शहीद हुए उनका 50 लाख का बीमा यूनियन के लोगों ने कहा है। कर्मचारियों को एएसएल कर्मचारी को एनएचएम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में सम्मिलित किया जाए, ऐसी मांग की गई है। मेरा नाम अमरदीप सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष झांसी में नियुक्त हूँ जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 एम्बुलेंस से। तो सर, ऐसा कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 23-24-25 तारीख तक हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना का आयोजन किया था, काली पट्टी बांधकर हम लोगों ने कार्य किया, लेकिन हमारी शर्तें नहीं मानी गई हैं। वो लोग समझते थे कि ये लोग ऐसे ही हैं। तो आज 26 तारीख को भी बता दिया था और हम लोग डीएम साहब जीएमओ साहब लोगों को पहले से ज्ञापन दे चुके हैं 15 दिन पहले। तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सी मांगे हैं, उसमें से अगर 5-6 मांगे हमारी पूर्ण हैं जो वो हो जाएं उचित, तो हम लोगों के भी परिवार फैमिली सब कुछ है। मांगे हमारी यही हैं कि जैसे एनएचएम में करने का, ठेका पड़ता हटाने का, और सैलरी बढ़ोतरी का जो चल रहा था 10,700 रुपये दे रही है एक कंपनी, दे रही है 12,700, तो एक कंपनी कम दे रही है एक ज़्यादा दे रही है। एल एस के कर्मचारियों की जो नौकरी चली गई थी उनको जेड एच एल ने रखा, लेकिन उन्होंने 10,700 रुपये में ही ज्वाइनिंग दे रही है और प्लस 20,000 रुपये की डीडी बोल रहे थे, लेकिन कल उन्होंने डीडी लेने के लिए मना कर दिया है। लेकिन हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी अभी राजी नहीं हुए हैं, जब योगी जी के शहर में वो बैठे हुए हैं, जब वहाँ धरना प्रदर्शन बराबर चल रहा है, तो हमारे छोटे शहर में धरना प्रदर्शन रोकने का नतीजा बता रहे हैं कि आपको पुलिस आएगी, यहाँ पे लाठी चार्ज होगी, आप लोग कब तक करेंगे हड़ताल? जब तक हमारे यहाँ से आदेश नहीं आया था प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी का, चाहे वो आदेश सही हो या गलत हो, जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे जब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन रखेंगे।